यूपी के आजमगढ़ में एक बहू ने अपने ससुर के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके ससुर ने उसे साबुन देने के बहाने बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। महिला ने जब शोर मचाना शुरू किया तो घर के बाकी लोग वहां आ गए। लोगों को देखते ही आरोपी ससुर ने उल्टा महिला के ऊपर ही जबरदस्ती फंसाने का आरोप मढ़ दिया। आपको बता दें कि आरोपी ससुर की पहले से ही 4 बीवियां हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसके विरोध करने पर ससुराल वालों ने उसका साथ देने के बजाय ससुर का ही साथ दिया। उसने सास व ससुराल की एक महिला सदस्य पर उससे मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया। मारने के लिए हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ जबरदस्ती मतलब वो करने लगे, हमारे इज्जत पे वो करने लगे, रेप करने लगे। तो आपने शोर मचाया या घर? शोर मचाया तो उनके भाई लोग आए, तो उनके भाई लोग भी हमारे साथ कोई हरकत करने लगे, तो भाई लड़के लोग भी आए, तो उन लोग भी मारने उन्हें लगे, मारने के लिए उसके बाद कमरे में बंद करने के बाद फिर दरवाज़ा भी नहीं खोला, तो फिर अपनी माँ के यहाँ फ़ोन करें, तब हमारी माँ पुलिस लेकर 3 आई, उसके बाद तब लोग दरवाजा उजा खोले। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है और महिला को इंसाफ दिलाने की बात कर रही है। बलात्कार का आरोप लगाया सर? हाँ, ये महिला आई थी, ये मेरे संज्ञान में है ये बात। मैंने अभी इंस्पेक्टर को कहा है इसकी जांच करके, FIR करके इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई करें।